बुलंदशहर से पुलिस हिरासत में युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो युवक के परिजन हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है उसका कहना है कि युवक ने आत्महत्या की है। तो बुलंदशहर में पुलिस हिरासत के दौरान युवक की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक युवक ने आत्महत्या की है। वहीं युवक के परिजन पुलिसिया कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मामला खुर्जा थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक कनैनी गांव निवासी सोनू प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही गांव की एक युवती के साथ फरार हो गया था। परिजनों की माने तो उन्होंने खुद सोनू को 8 दिसंबर को पुलिस के हवाले किया था। सोनू के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पिछले 4 दिनों से उन्हें सोनू से मिलने ही नहीं दिया था और फिर घर पहुंचकर उसकी आत्महत्या की खबर दी है। वहीं बुलंदशहर एसपी की माने तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो अब पुलिसिया कार्यशैली को लेकर के यहां पर सवाल इंसान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साफ तौर पर जिस युवक की मौत हुई है उसके परिजनों का कहना है कि पुलिस इस मामले में कुछ छुपा रही है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि पिछले 4-5 दिनों से उन्हें उस युवक से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। अब परिजनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या युवक की मौत पहले ही हो गई थी इसीलिए उनके परिजनों को जो है युवक से मिलने नहीं दिया जा रहा था, या फिर परिजन झूठ बोल रहे हैं, पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। साथ में देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर यहां पर कुछ ऐसी पुलिस की लापरवाही की खबर सामने आती है तो फिर क्या कुछ पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो नपेंगे, ये पूरा मामला देखने वाली बात होगी। और अब इस पूरे मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर से ये खबर सामने आई है जहां पर पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो जाती है। जो युवक के परिजन हैं उनका पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस है वो कह रही है कि युवक ने आत्महत्या की है। खुर्जा नगर के कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया।